तो द कुमार देव एजुकेशन मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका पार्ट टू है, आइए शुरू करते हैं। विरहानुभूति की प्रधानता। रीतिमुत कवियों का प्रेम वाक्य प्रधान है, पीड़ा ही इसके काव्य का प्रमाण है। वियोग वर्णन में इन कवियों की मनोवृत्ति अधिक रमी है, क्योंकि वियोग में कवि के दृष्टि से अंतर्मुखी होती है। वह अंतर्वस्तल के प्रेम की असल गहराइयों तक बैठने के लिए आतुर रहता है। वियोग की अपिट व्यास उसके भाव पेशल हृदय को सदा दृढ़ रखती है, अंत उसमें क्रियाशीलता बनी रहती है। हाई ब्लड प्रेशर की भी वह परवाह नहीं करता। इन कवियों के प्रेम के अंतर वियोग की मात्रा कम है, और है भी तो उसमें भी पीड़ा की अनुभूति किसी न किसी प्रकार बनी रहती है। ये कैसा वियोग ना जानी, परे जनु वियोग ना कहो हो बिछुड़त है। इन कवियों की प्रेम तिशा सदा बढ़ती रहती है। इसमें प्रेम की अथह पीर है, और उस पीर को पहचानने के लिए पीर भारा हृदय अपेक्षित है। समझे कवि धनानंद की हृदय अक्षित प्रेम की भारता की। विरह की अग्नि इन कवियों के भीतर ही भीतर सुलगती रहती है। गिरधर कबीरे ने भी लिखा है, जीता जलवा शरीर बन दहा लगी लगी जाही। भगत दुहा नहीं दिए और अंतर धुत आई। विरहिणी विरहे में किस प्रकार व्यतीत है, उसका विरल धनानंद ने अपने काव्य में किया है। विरहिणी को चैन नहीं है, विरल व्याकुलता अधिक है। जो छिन भर भी नहीं बहता, सजीव सुजन पिए को चाहता है। वेदना ऐसी हो गई है कि उसे दूसरे करने के प्रयास से उसे मूर्छा हो जाती है। अकेले विरहिणी ही सह रहती है। बेचारी किस से कहे, कहुनु ना चैन पर निंदे रसू पड़े। परियो विरहा ब्रज मरो जो भरे ना कहु, छन ये कहु नारे सुजन संजीवनी पियो। ऐसी बड़त दयानंद वेदी देव उपाय दे, तवे तवरो हो ही भलो अकेली कहो। कौन सो जो वित होत ना सांस सवारो। पिए के विरहे में विरहिणी व्याकुल होकर संकल्प करती है कि यदि पिया अपने दर्शनों से वंचित कर रहा है, तत्रत हो अपना मुख छिपा रहा है, तो उसकी पीठ ही देखती रहेगी। पर उसे वह अवश्य कहना है कि पिए जिस खेल या प्रयोग मात्र समझ रहा है, वह उसके लिए बर्छे के समान है। बिछोर संसार में भरी दुख है। पिए की लोक कल्याण की प्रवृत्ति के अनुकूल ही उसे चलाना है। पिए को यदि सतर्कता ही भूजती है, उसे वह भी उसे लिए समर्थी पर है। तो ही तो खेल पे मोह हिल शेर सो हे रे मोरी, बिछोर महादुख जाही झुक लाही। सोताही सबको पे कहो ना पहो, लली ना तो सदा सुख। एक ही टेक ना दूसरी जनजाति, जीवन पर यह सुजन लिए रुख। ऐसी सुरहा तो मोरी बहा बस देखो, पीठ दुरहो हो जो मुख। इन प्रकार रीतिमुक्त काव्य परंपरा की व्याख्या प्रधानता उसे प्रचलित परंपरा से विथित प्रमाणित करती है। इसका एक प्रमाण फ्रांसी का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त इन कवियों की प्रेम की पीर सूफी कवियों से भी प्रभावित प्रतीत होती है। इसी कारण उनके प्रेम से रहस्यमयता की झलक भी मिलती है। संक्षेप में इनका प्रेम बहिमुखी ना होकर अंतर्मुखी अधिक है। वह वासना पंकिल ना होकर स्वस्थ एव उतंत है। उसमें हृदय की मणिक झूम अनुभूतियाँ वे सौंदर्य ही महीन से महीन बारीखिया है। वस्तुत ये कवि प्रेम हृदय और सौंदर्य के सच्चे पारिखी है। कवियों का विरह वर्णन शास्त्रीय कोटि का नहीं है। उसकी सच्ची अनुभूति से अपयस विरह के शास्त्रीय लक्षण मिल जाते हैं। काव्यगत दृष्टिकोण की भिन्नता। रीतिमुक्त कवियों ना
ने ना तो परंपरागत काव्य शास्त्रीय नियमों को आधार बनाकर रचना की और ना ही किसी काव्य शास्त्रीय संबंधों विशेष संप्रदाय का अनुसरण किया। ये कवि आश्रयदाताओं की इच्छा के गुलाम नहीं रहे। रीतिमुत कवियों ने अनुप्रास, यमन आदि अलंकारों विद्वान को प्रधानता दी। अनुभूति गोव थी रीतिमुत काव्य में, ये क्रम उलकट गया। इस काव्य में अनुभूति संदेह बनी और कवित रचना मात्र साधन रही। इस प्रकार रीतिमुक्त कवियों ने जो अपने काव्य दर्श प्रस्तुत किए हैं, उन्हें रीतिमुक्त काव्य दर्श से पृथक समझा है। सौंदर्य अनुभूति, रीतिमुक्त कवियों ने पिया की छवि के अनेक रमणीय चित्र खींचे हैं, जो संप्रथा लिख से हटकर रीतिबंध कवियों की तरह इस कवियों में नायिका का रख सिख का वर्णन नहीं किया, बल्कि पीए ने संग्रह सौंदर्य के प्रभाव का चित्रण किया है। नारी सौंदर्य के अतिरिक्त कृष्ण रूप में पुरुष नायक के रूप में प्रभाव का भी चित्रण किया है। प्राकृतिक चित्रण, रीतिमुक्त कवियों ने प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण कर जिस संवेदनशीलता के उत्त घटक किया है, वह उसके स्वतंत्रतावादी दृष्टिकोण की परिचालक है। रीतिमुक्त कवियों ने प्रकृति के अलबन उन्दीपन अलंकार पृष्ठभूमि और मानवीयकरण आदि विधित रूपों का संजीविता के साथ चित्रण किया है। शिल्प सोवेट, रीतिमुक्त कवियों ने चमकदार प्रदर्शन के लिए काव्य नहीं लिखा, अपितु भागवेग में जो लिखा वह उनकी सहजता का कल्पनात्मक रूप बन गया। इस कवियों ने अरबी फ्रांसी शब्दों को स्वतंत्र रूप में ग्रहण कर स्वस्थ प्राकृतिक का परिचय दिया है। इन कवियों ने मुख्य रूप से ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ कवि आलम ने अवधी भाषा में भी काव्य रचना की है। भाषा मुहावरे और लोककृत प्रधान है। सानुप्रसिकता इनकी भाषा का निजी गुण है। लक्षणिकता, व्यंजना और सूक्ति प्रयोग में इनकी काव्य भाषा रमणीय बन गई है। इन कवियों ने अधिकांश कृति और सौंदर्य का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ उसके काव्य में दोहा छंद का प्रयोग भी प्रतीत है। यंत्र तंत्र कुछ अन्य छंद भी प्रयुक्त है। छंद में संकेतनात्मकता और लय की अनुगुंज भी विद्यमान है। रीतिमुक्त कवियों ने ना केवल मुक्तक काव्य लिखे, वर्णन प्रधान काव्य भी लिखे। कवि आलम और बोध में कर्मन, माधवानल, कमलकंदना और विरह वारिस नामक प्रधान काव्यों की रचना की। साम श्रेणी में प्रिय प्रबंधन कोटि की रचना, कवि धनानंद रचित गिरिपूजन, यमुना यक्ष, गोकुल गीत आदि को भी सीमा तक प्रधानतात्मक रचनाएं माना जा सकता है। इस कवियों ने अधिकांश दृश्य में सैन्य भिन्नों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी स्वच्छंद प्राकृतिक व अनुकूल प्राकृतिक के नैसिक सौंदर्य से भिन्न ग्रहण किए हैं। इनकी अपूर्व कला लोक जीवन की ओर विशेष झुकी हुई है। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनके काव्य, केशवदास, परिचय पीछे भक्ति काल के अंतर्गत दिया जा चुका है। यद्यपि ये अलंकारों को महत्व देने वाले चमकदारवादी कवि माने जाते हैं। प्रमाण स्वरूप इसकी प्रसिद्ध उच्च भूषण बिना ना बिरछाई, कविता बिना मित ना उद्गृत किया जाता है, किंतु दो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रसिक पिया और कवि पिया इन्हें अलंकारवादी सिद्ध नहीं करते। रसिक पिया कविता के श्रृंगार अलंकारों का विवेचन ग्रंथ है। कुछ विद्वानों ने केशव को रीतिकाल के परिवर्तित कवि नहीं माना और उन्हें भक्तिकाल में रखा, किंतु कुछ उन्हें रीतिकाल का परिवर्तक आचार्य कवि मानते हैं। बिहारी लाल, इनका जन्म ग्वालिया के पास अबुआ गोविंदपुर नामक स्थान पर संवत 1660 सन 1603 ईस्वी में हुआ था। उनका बचपन
बुंदेलखंड में बीता और युवा अवस्था में अपनी ससुराल मथुरा में आ बसे थे। यह अमोर जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहा सत्ते थे। कहा जाता है कि राजा से इन्हें प्रतिदिन दोहे पर एक अफसी इनाम में मिली करती थी। बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका एकमात्र ग्रंथ बिहारी तरसाई है। इस ग्रंथ की बहुत प्रशंसा हुई है। छोटी सी रचना में सिंगार रस की मानिक अभिव्यंजना तो है ही, साथ में इसे भक्ति और नीति विशेषक दोहे भी मिलते हैं। ब्रज पर बिहारी का बहुत अधिकार था और इन्होंने बड़ी परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया है। चिंतामणि त्रिपाठी, इनका जन्म 1610 में हुआ था। ये कानपुर के निकट तिकवापुर में के रहने वाले थे। कहते हैं ये है चार भाई थे, चिंतामणि, भूषण, रतिराम और जटाशंकर। चारों कवि थे। बहुत विद्वानों ने चिंतामणि त्रिपाठी को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना। इनका प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कविकुल कल्पतरु है। इनसे अन्य ग्रंथों के नाम छंद बिहारी, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण है। चिंतामणि प्रसिद्ध कवि थे। शुक्ल जी ने इसकी भाषा का ललिए की प्रशंसा की है। भूषण, इनका जन्म संवत 1610-1613 ईस्वी में हुआ था। ये चिंतामणि और रतिराम के भाई थे। चित्रकूट से सोहलकी राजयुद्र में ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। उसी नाम से ये प्रसिद्ध है। इनका असली नाम काव्य था। इनका असली नाम क्या था इसका पता नहीं चला। ये महाराज शिवाजी के छत्रसाल के दरबार में रहे थे। दोनों ने इनका बड़ा मान किया था। कहते हैं कि शिवाजी ने भूषण के एक एक छंद पर लाखों रुपए दिए थे। रीतिकालीन कवियों में भूषण वीरस के कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध ग्रंथ तीन हैं, शिवा सिविली, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण। भूषण अजमेरी भाषा में कवित्री लिखने के कारण बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। मतीराम, ये कानपुर जिले के तिकवापुर नामक स्थान पर संवत 1678-1621 ईस के लगभग उत्पन्न हुए थे। ये चिंतामणि और भूषण कवि के भाई थे। ये बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ रहे थे। इनका रीतिकाल के कवियों में अच्छा स्थान है। रसराज और ललित लाम इसके बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। रतिराम सताई, साहित्य सार, लक्ष्मण सार, ये ग्रंथ भी मतीराम के माने जाते हैं। मती रस्ता के लिए प्रसिद्ध ये सिंगार के कवि है। उनके वर्णों में बड़ी सरलता व्यंजना मिलती है। देव का जन्म संवत 1730-1673 ईस में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त था। कहते हैं कि कहीं रसाइयों से यहाँ घूमते रहे, इन्हें कोई अच्छा आश्रयदाता नहीं मिला। एक भवानी दत्त वैद्य के नाम पर उन्होंने अपनी विलास नामक ग्रंथ लिखा। कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास लिखा। इन्हें राजा भोगी लाल का आश्रय भी मिला और इन्होंने उसके लिए रस विलास नामक ग्रंथ लिखा और उसकी प्रशंसा की। भोगली लाल भूप लाख पारक पखर लेविया, जिन्हें लक्षण रसी खरसी रसी अखर खरीदे हैं। देव द्वारा हिंदी और संस्कृत में रचे हुए 25 ग्रंथ बतलाए जाते हैं। भिखारी दास, इनका कविता काल संवत 1786 से 1806 तक है। यह प्रतापगढ़ के पास श्रेयका नामक गांव के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम कृपाल दास था। इन्होंने अपने परिवार
का पूरा परिचय दिया आपने। एक ग्रंथ में इन्होंने अपने आश्रयदाता बाबू हिंदूपति सिंह का उल्लेख किया है। इन्होंने काव्य व्यंग निरूपण के लिए काव्य निर्माण निर्णय नामक ग्रंथ लिखा। इसके अन्य ग्रंथों रस रसका श्रृंगार निर्णय छंद प्रकाश आदि प्रकाशित है। इन्होंने अपने ग्रंथों में बड़े मनोहर और लक्ष्य उदाहरणों को प्रस्तुत किया है। पद्माकर का जन्म संवत 1810 में बंदा में हुआ था। ये रीतिकाल के लोकप्रिय कवि हैं। इनके काव्य रमणीयता की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है। ये पंडित थे। इनका अनेक जगह बहुत सम्मान हुआ था। नागपुर के राजा रघुनाथ राव, पन्ना के महाराज हिंदूपति, जयपुर नरेश प्रताप सिंह की प्रशंसा इन्होंने की है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हिम्मत बहादुर, दूधावली, राम रसायन, प्रबोध, पस्सा और जगत विरोध है। धनानंद, इनका जन्म संवत 1746 के लगभग हुआ था। ये ब्रज के बहुत अच्छे कवि थे। धनानंद छुआछंद काव्यधारा की रीति मुक्त कवियों में आते हैं। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के वीर मुंशी थे। कहते हैं एक दिन इन्होंने बादशाह के कहने से ध्रुपद गाया नहीं और अपनी प्रेमिका सुजन नामक वेश्या के कहने से गाना गा दिया। बादशाह ने इन्हें शहर से निकाल दिया। तब वह सुजन के पास गए और अपने साथ चलने को कहा। पर जब सुजन इनके साथ नहीं गई तो वह निराश होकर मृत्युपर्यंत वृंदावन में रहकर और सुजन छाप देखकर प्रेम और भक्ति के गीत गाते रहे। सुजन विनोद, सुजन सागर, बिहार लीला आदि इनकी रचनाएं हैं। इनके 400 के लगभग फुकल कवि और सव्य मिलते हैं। यह अपनी रसिकता और प्रेम की चुता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।